नाउ स्टूडेंट्स लेट मी शो यू द डिफेक्ट ट्रैकिंग एग्जाम्पल सो लेट मी जस्ट ट्राई टू ओपन द एक्सेल फाइल तो नाउ जस्ट सी दिस इज द सेम एक्सल फाइल जो हमने यूज की थी डिफेक्ट को लॉग करने के लिए एंड आई है इन ए सेंस रीजन के डिफेक्ट ट्रैकिंग लॉगिंग के बगैर नहीं हो सकती जो डिफेक्ट लॉगिंग है दैट्स स्टेप नंबर वन जो कि हमने इसके अंदर किया हुआ अभी अब इसी को यूज करते हुए हम इसको ट्रैक करेंगे अब जब मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने डिफेक्ट को ट्रैक करना है तो मैं एक्चुअली क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अब ये जो कुछ फील्ड है फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड टाइम टू फिक्स ये डिफेक्ट लॉग हुआ नाइनटीन अक्टूबर टू को और फॉर एग्जाम्पल आज अगर और ये इसकी जो प्रायोरिटी देखे हाई है और फॉर एग्जाम्पल आज अगर ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्सटीन है और इवन देन दीज फील्ड आर

अभी एस्टिमेशन ही स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि जब हमने डिफेक्ट को फिक्स करना है तो वी आर नॉट गोइंग टू फिक्स इट राइट इे हमने कुछ एस्टिमेशन करनी है पहले यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर को तो हमने ये डिसाइड किया था कि उस डेट तक ये हमारे डिफेक्ट फिक्स हो जाने चाहिए तो जो ट्वेंटी फिफ्थ यानी नाइनटीन जो अक्टूबर है यहां से लेकर और ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर तक की जो डेट आई है वो एक्चुअली हवा में नहीं आई वो एक्चुअली कुछ एस्टिमेशन के बेस पे आई होगी फॉर एग्जाम्पल हमने ये डिसाइड किया कि हम ये दो डिफेक्ट फिक्स करेंगे और फॉर एग्जांपल इसका एस्टिमेटेड आवर है फॉर एग्जांपल एट आवर और इसको लगेंगे सपोज फॉर एग्जांपल आवर्स तो और कुछ साथ और साथ पैदल काम भी चलेगा तो ये डाटा हमारे पास है तो हमने डेडलाइन निकाली है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी अक्टूबर की अगर ये एस्टिमेशन ही नहीं है मेरे पास इसका मतलब ये इंडिकेटर है एक्चुअली या तो डेवलपर ने अभी काम शुरू नहीं किया या अगर शुरू कर भी दिए ना एस्टिमेशन yani चलो उसने कर दी है लेकिन अब यह देखें रेजोल्यूशन डेट अगेन एम टी एक्चुअल टाइम कितना फिक्स करने पर लगा अगेन एम टी दिस इज दी टू द ट्रैकिंग यही ऑब्जेक्टिव है डिफेक्ट uh, को ट्रैक करने का कि आप ये फील्ड एम टी ना छोड़े यानी यू हैव टू फोर्सफुली आस्क द डिवेल्पर कि अगर वो यहां पर चीजें फिक्स नहीं करेगा तो उसकी जितनी भी एफर्ट है वो एक्चुअली फ्यूटाइल है यानी हो ये सकता है जो विच आई कैन से फॉर एग्जाम्पल डेवेलपर ये कहता है कि ये तो मैंने डिफेक्ट फॉर एग्जाम्पल उन्नीस को ही फिक्स कर लिया था अब अगर ये फील्ड फिल्ड नहीं है रेजोल्यूशन डेट की तो यू आर ब्लैंक एक्चुअली तो ट्रैकिंग आपको ये अनेबल कर रही है कि ये विजिबिलिटी आए अब देखें अब अगर ये आपके पास स्टेटस है कि आप फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी अक्टूबर को बैठे हैं यानी इफ यू आर व्यूइंग दिस

ये दूसरी डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए तो वी हैव टू जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है कि ये जो जो कॉलम्स हैं यू हैव टू मेक श्योर कि ये मैक्सिमम फिक्स हो सिंपल एज दैट अगर ये मैक्सिमम फिक्स नहीं है देन यू आर ऑन रिलेटिवली रिस्की स्लोप रीजन अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक डिफेक्ट दिखाया है जस्ट सी कि आपके पास अगर ये लिस्ट फॉर एग्जाम्पल ग्रो कर रही है तीस पैंतीस डिफेक्ट्स हैं और मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं एंड वेरी रिस्की स्लाइट आप बहुत रिस्की स्लो पे खेल रहे हैं इज एन वे यू डोंट का बेसिक मकसद ये है कि आपको स्टेटस रिफ्लेक्ट हो जिसको हम एक्चुअली डिफेक्ट ट्रैकिंग बोल रहे हैं up, कि अगर आपने टेम्पलेट में से कुछ डिफेक्ट्स पे ये डिसाइड कर लिया था कि आपने ये फिक्स नहीं करने इस स्प्रिंट में या इस रिलीज में व्हाट्सर तो वह स्टेटस आपको रिफ्लेक्ट करना है एक्सेल फाइल के अंदर क्योंकि अदरवाइज इट विल एक्चुअली किल द पर्पज क्योंकि जो अभी मैंने एक्सल फाइल आपको दिखाई है वो आपको एक 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 एक, एक स्नैपशॉट दे रहा है ऑफ ओवरऑल डिफेक्ट्स अगर वो रिलीज का पार्ट है नहीं है दे दे शुड बी सम स्टेटस जो बताए आपको कि आपके पास इस रिलीज में कौन सी चीजें हैं इस स्प्रिंट में कौन सी चीजें हैं जिस पर डिसीजन हो चुका हुआ या रिमार्क्स में एड कर दें अदरवाइज देर इज जो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है या इवन क्वालिटी इंश्योरेंस की मैनेजमेंट है वो हमेशा याद रखें चाहे जितने भी डेवलपर्स हों किसी सिंगल आर्टिफैक्ट से कंट्रोल हुआ करती है और जो मैंने आपको दिखाया है दैट इज दैट सिंगल आर्टिफैक्ट इसका टेम्पलेट में फील्ड कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आर्टिफैक्ट हैज टू बी सोलली वन ऐसा कतन नहीं होना चाहिए कि हर डेवलपर या हर क्यूए एक डिफरेंट आर्टिफैक्ट uh, को अपडेट कर रहा है वो एक्चुअली इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है जो मैंने आपको दिखाई है अगर डेवलपर डिवेलपर एफर्ट नहीं कर रहा वो हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अगर क्यूए और डेवलपर डिफरेंट फाइल्स अपडेट कर रहे हैं वो तो कंप्लीट रेसिपी फॉर डिजास्टर है